फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? और ये देखिए, ये है मेरे बगीचे का नज़ारा। फ्लावर ही फ्लावर, कलियां ही कलियां। और ये देखिए, शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही नज़ारा हो। और जिनके यहाँ नहीं है, उनको इस तरह से करने के लिए मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी सी टिप बताऊंगी कि आपके भी देखिए इस तरह से फ्लावर आने लगेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लॉलीपॉप का फ्लावर है। देखिए, इसके भी अब बहुत अच्छे अच्छे शेड आने लगे हैं। पहले ये वाइट और पिंक ही आता था, अब येल्लो, ऑरेंज, रेड, येल्लो, कितने सुंदर सुंदर शेड में इसके कलर आने लगे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर। ये देखिए, मेरा वेस्ट इस चीज़ है, ये मेरा आरो का ख़राब हो गया था, आरो ख़राब हो गया, मैंने इसमें ये वाटर पॉपी भी लगा दिया है और इसमें ये प्लांट भी लगा दिया। और इसके बाद देखिए, ये है प्लम बेगो, बहुत सुंदर फ्लावरिंग पे प्लम बेगो आ गया है। और ये है मेरा पोई का साग, पोई का साग जिसको हम पहाड़ी पालक भी कहते हैं, बहुत अच्छा, खाने में स्वादिष्ट। और देखिए फ्रेंड्स, ये है अडेनियम जिस पर छोटी छोटी सी लीव्स आनी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए बोगनविलिया कितना सुंदर और ग्रीन होने लगा है, तब बहुत सुंदर। और ये है लेंटाना, लेंटाना पर अभी फ्लावर तो नहीं आए हैं, लेकिन देखिए कितनी सुंदर इसकी लीव्स, लीव्स का साइज बहुत अच्छा हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा बहुत सुंदर फूल, इसको आप बताएं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये है रजनीगंधा का फूल, बहुत सुंदर इसमें खुशबू आती है। यह है देखिए अंगूर की बेल, बहुत अच्छी मेरी अंगूर की बेल भी चल रही है। और अभी तक देखिए अंगूर नहीं आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंगूर की बेल में नीचे थोड़ा सा नमक दबा दो तो अंगूर बहुत जल्दी से निकलते हैं, तो मैं ऐसे भी कोशिश करती हूँ। और ये देखिए बहुत सुंदर येलो शेड का, कितना सुंदर इसका फ्लावर है। और इसके साथ साथ एक फ्लावर है कनेर का, बहुत सारा बडिंग आ रही है अब तो, बडिंग बडिंग, इतनी बडिंग है। और ये है मेरा जूही, बहुत अच्छी खुशबू, भीनी भीनी सी। और ये है मेरा कलेडियम, देखिए साथ में ही लगा दिया जिससे ये आसानी से ग्रो हो जाता है। ये देखिए, और सर्दियों की भी थोड़ी सी तैयारियां शुरू कर दी है मैंने। ये देखिए, ये है मेरा हिबिस्कस, कितना बुशी होता जा रहा है। आप लोग भी चाहते हैं कि आपके प्लांट्स भी इसी तरह से बुशी हो जाएं, तो मैं भी आपको एक छोटी छोटी सी टिप बताऊंगी। देखिए, और ये है देखिए मेरा लिपस्टिक वाला प्लांट, जो कि इसको मैंने कटिंग के द्वारा देखिए लगा लिया है। ये देखिए सारी सर्दियों की तैयारी। और ये देखिए मेरा कटिंग से लगाए हुए हैं कुछ प्लांट। और फ्रेंड्स, इधर आ जाइए, मेरा बगीचे का दूसरी साइड है जिधर मैंने मोस्टली सब्जियां ही लगा रखी हैं। ये देखिए तोरई की बेल है और ये खीरे की बेल है। इधर ये तुलसा जी है, बहुत ज़्यादा घनी तुलसा जी हो रही हैं। और आप तोरई की बेल देखिए किस तरह से ये इतनी अच्छी सी ग्रोथ पकड़ रखी है इसने, बहुत अच्छा सा। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए ऊपर अभी गांजी भी पड़ी हुई है बोरी, जो कि मैंने धूप से बचने के लिए डाली थी, अभी मैंने इसको हटाया नहीं है। और देखिए इसमें ये पुदीना भी आ रहा है साइड से, कई प्लांट्स लगा रखे हैं मैंने इसको। और ये देखिए यहाँ छोटे छोटे गमलों में भी मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं इस तरह से। देखिए कच्ची हल्दी है, और मेरे को जो भी छोटे छोटे से बर्तन मिल जाते हैं मैं सभी में प्लांट्स लगा देती हूँ। आप ये देखिए, बाहर के एरिया में मैंने मोस्टली नमकीन की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक के कंटेनर हैं, पिन्नी की थैलियाँ हैं, सभी में मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं। देखिए तुरई पर इतना सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं, इसके बौंदने शुरू हो चुके हैं। और इसकी बाइन देखो बहुत अच्छी सी। और इधर आ जाइए, इधर तो पूरा ग्रीनिश हो रहा है। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर, और ये मैंने गमले में नहीं लगा रखा है। देखिए फ्रेंड्स, ये है सिर्फ सिर्फ पिन्नी में, ब्लैक कलर की। और ये मेरा मसाले का पौधा है, बहुत अच्छी इसमें मसाले की खुशबू आती है, और जो कि मैंने देखिए इस तरह से कनस्तर में लगाया है। और आप ये देखिए मेरी सेम की बेल है,
जो कि सर्दियों की तैयारी है, और ये खीरे की बेल है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक तार बांध दिया, इसकी मदद से ये यहाँ तक चढ़ता जाएगा। और ये देखिए किस तरह से प्लांट्स लहरा रहे हैं, और फ्लावरिंग बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत अच्छा सा सीड पॉट भी कुछ प्लांट्स में रेडी होने वाले हैं, जो कि मैं इसका कलेक्शन भी करूँगी। कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो गए हैं, कभी लगता है कि बिल्कुल और भी होने चाहिए प्लांट्स। ये देखिए किस तरह से ये कनस्तर मेरा टूट चुका है, लेकिन मैं अभी इसको रिपोर्ट करूंगी, अभी नहीं करूंगी। ये देखिए खीरे की बेल लगा रखी है मैंने, ये बरसाती खीरा है। ये देखिए मेरा कितना सुंदर अपराजिता की बेल है। ये मैंने हिबिस्कस है, इसी गमले में मैंने नीचे भी प्लांट्स लगा रखे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये शैम्पू प्लांट है, भिंडी है इस साइड में, और देखिए ये अपराजिता की बेल को मैंने पूरा दिल की शेप में डिज़ाइन दे रही हूँ, और इसको जब ये बुशी हो जाएगी तो बिल्कुल दिल की शेप में हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए ये भी है मेरा प्लांट शरीफे का, 3 साल का शरीफे का प्लांट, और इस पर ऊपर मैंने तोरई की बेल भी चढ़ा रखी है, देख रहे हैं आप फ्रेंड्स। ये देखिए, और फ्रेंड्स ये है मेरा अडेनियम कॉर्नर। ये देखिए साइड से मैंने अडेनियम लगा रखे हैं, और इसके साथ साथ मैं दिखा देती हूँ ये छोटे छोटे कंटेनर में भी अडेनियम लगा रखे हैं। बहुत सुंदर अडेनियम है इस टाइम, देखिए बहुत ज़्यादा, कम से कम मेरे पे 30 अडेनियम के प्लांट्स हैं। और ये देखिए वाटर प्लांट, बहुत सुंदर प्लांट। तो फ्रेंड्स अगर देखिए किस तरह से इसमें रूट्स निकल रही हैं, आप इसको आसानी से इस टाइम लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये अपडेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।